सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश। आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स सॉलिड मैन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक इंट्रो बना सकते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए। तो जैसे मैं आप लोग ने ये इंट्रो देखा, वैसा आप कैसे बना सकते हैं बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऐसे इंट्रोज बना सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें। अगर हम लोग इंट्रो डालते हैं तो उसका एक फ़ायदा है कि जो भी देखते हैं वो कहते हैं लगता है इसकी वीडियो क्वालिटी और इसकी वीडियो अच्छी होगी, तो इसलिए लोग उसके बाद आ जाते हैं। तो वैसे ही मैं भी आपको सिखाऊंगा आप कैसे बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रोज। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे पास है कुछ ऐप्स जैसे कि पिक्सल फ्लो, काइन मास्टर और टेक्स्ट एनिमेशन। काइन मास्टर का काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पिक्सल फ्लो में, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए चलते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है पिक्सल फ्लो। तो यहाँ मैं आप लोग को बताऊँगा ऑफलाइन बनाना। तो यहाँ पहले लिखा रहेगा ओ स्नैप, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। फिर यहाँ नीचे आप देखिए रॉ लिखा होगा, वहाँ क्लिक कीजिए। फिर जैसा मैंने आप लोग को बना के दिखाया था वो था ये वाला, देख लीजिए। तो इस पर एडिट हम लोग दबाएंगे, फिर देखिए कुछ ऐसा आएगा। फिर पहले पिक्सल फ्लो की जगह हम लोग लिख देंगे यूट्यूब, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो। उसके बाद यहाँ आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए, अगर बड़ा है तो ऐसा, छोटा है तो ऐसा रहने दीजिए। और अगर आपका नाम सिर्फ सिंगल है तो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ ऐसा आया तो लिख देता हूँ मैं अपना सबसे पहला टॉपिक श्रेयांश, फिर ऑल इन वन। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे स्केल, जो कि इसे बड़ा और छोटा करते हैं, तो इसका काम पता चल गया। अब पोजीशन एक्स, जो कि होता है इसे राइट और लेफ्ट करने के लिए, और पोजिशन वाई से ऊपर और नीचे करने के लिए। तो मैं कहूँगा आप लोग इसका स्केल बड़ा कर लीजिए, फिर आप प्ले करके देखते हैं। तो स्केल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब देखते हैं। और ये अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख जाएगा कि साइड में लिखा है इन लोग का एक मेड विद पिक्सल फ्लो। अगर आपको लगता है कि आप लोग को ब्लैक वाला नहीं चाहिए तो आप बैकग्राउंड पर जाइए और ये ले लीजिए, क्योंकि बाकी सब पे हम लोग को बहुत बारीक बारीक एडिटिंग करनी पड़ेगी। और ये देखने में भी अच्छा है और लगता भी अच्छा है, ऐसा कर लीजिए। फिर ऑडियो फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज, मैंने काइन मास्टर में कुछ डाउनलोड किए थे, मैं उनको लेता हूँ। एडवेंचर, तो जैसा सुन रहे हैं। तो अब आप लोग एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक मिनट, सॉरी। तो अब आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिए। फिर मैं कहूँगा आप 540p पे करिए, जल्दी हो जाता है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये भी, तो आप लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, वरना 1080 लेना हो आप वो भी ले लीजिए, बट टाइम वो ज़्यादा लेगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये चुटकियों में हो रहा है। तो यहाँ नीचे लिखा है डू नॉट क्लोज स्क्रीन और ओपन अनदर ऐप, यानी हम लोग कोई स्क्रीन को बंद ना करें या कोई दूसरा ऐप ना खोले, वरना ये रुक जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखिए हम लोग का हो गया। तो मैं देखता हूँ अभी ओपन वीडियो करके। तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ वीडियोस पे। पे क्लिक कीजिए, मैं रोटेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ प्लस पे साइन कीजिए, फिर 16:9 लीजिए।
उसके बाद मीडिया पे, फिर यहाँ दिख जाएगा कि आप लोग इसे अभी अभी बनाए, फिर ओके कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा भी दिखता है। फिर आप यहाँ देख लीजिए कि पूरा वीडियो हमारा आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप लीजिए लेयर, मीडिया, फिर बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ ब्लैक कलर दिख रहा है उसे क्लिक कर लीजिए, फिर इसे थोड़ा बड़ा या छोटा करके आप यहाँ यहाँ मेड विद पिक्सल फ्लो है वहाँ पे लगा दीजिए और ये बैकग्राउंड के साथ मिल जाए। और अगर आपका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है तो यहाँ लीजिए उस कलर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कलर है ब्लू तो आप ऐसे करके भी ले सकते हैं, तो ऐसे आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें आप लोग कोई इन एनिमेशन या आउट एनिमेशन मत लगाइएगा वरना जल्दी पता चल जाता है। फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसमें ये होता है अगर किसी ने आपकी वीडियो डाउनलोड करी है और उसकी लोडिंग स्क्रीन पे ही वो दिख जाएगा, तो ये देख लीजिए हम लोग की पूरी वीडियो हो गई, आप एक बार देख लीजिए। तो जैसा आपने देखा तो अब यहाँ आप लोग को दिखेगा सेटिंग्स, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए, फिर ऑटो फेड आउट को ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ ऐसे करने से होता है कि आपका ये ऑटोमेटिक फेड आउट नहीं होता, फिर ये एकदम अच्छा लगता है। फिर आप यहाँ शेयर वाला बटन दबा के इसे हाई में भी कर सकते हैं, लो में भी कर सकते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी के लिए लो में कर रहा हूँ। तो देखिए कितनी जल्दी हो गया। अब मैं आपको वो दूसरे वाले ऐप से जिसका नाम है टेक्स्ट एनिमेशन, तो यहाँ पहले हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन ऐप खोलते हैं। तो ये लोडिंग में भी थोड़ा टाइम लेगा, फिर आप दबाइए स्टार्ट, फिर आपको जो लिखना है वो लिखिए, ज़्यादा छोटा होगा तो अच्छा भी लगता है। तो मैं लिख देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल का नाम है गो कोरोना गो, फिर इसे प्ले पे दबाइए। तो ये देखिए ऐसा दिखाता है, फिर लाइंस, तो ये ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हैं देखिए। तो आपको जो चाहिए आप वो ले लीजिए, जैसे ये वाला मस्त लग रहा है, बहुत फ्रेम द्वारा ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। आप लोग को जो भी चाहिए आप लोग वो लीजिए। और यहाँ नीचे से हम लोग बैकग्राउंड और वो कैसा है वो सब भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ ऊपर एक फोल्डर करके आप लोग को दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर सेव एज वीडियो, फिर ये थोड़ी देर लेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता और ना ही ये वाटर मार्क देता है। आप लोग को दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए ना इसके बाजू में और कहीं पर वाटर मार्क आ रहे हैं, ना ये लास्ट में अपना दिखा रहा है कि मैंने ये बनवाया। तो ये देखिए, तो ये थे हम लोग के दो ऐप्स। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।